हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एवं सक्सेस में। दोस्तों, कल रेलवे की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया, रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फी। जी हाँ, एग्जामिनेशन फी के रिफंड को लेकर, जो कि आपका एएनपी और टेक्नीशियन के लिए, ये ग्रुप डी के लिए नहीं है, एएनपी और टेक्नीशियन के लिए। तो इसमें क्या है नोटिस, चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है रेलवे जो है एक एक करके सबका जो है फी रिफंड कर रहा है, राइट। अब फी रिफंड कर रहा है तो कुछ लोगों का जो फी रिफंड करने में रेलवे को प्रॉब्लम फेस हो रहा है। अब वो प्रॉब्लम किस वजह से हो रहा है, तो बहुत से लोगों ने अपना बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड जो है ये इनकरेक्ट फिल किया, जिससे कारण जो मैच नहीं कर पा रहा है और रेलवे को जो है पैसा भेजने में, फिर रिफंड करने में जो है प्रॉब्लम हो रहा है। तो रेलवे कल उसी के लिए एक नोटिस निकाला है। उस नोटिस में क्या जो हाईलाइट किया गया था वो मैं आप लोग बता देता हूँ कि उस नोटिस में हाईलाइट था आपका कि वाइल फिलिंग द बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन प्लीज इंश्योर दैट द बैंक अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड इंटर्ड आर करेक्ट। जी हाँ, रेलवे बोल रहा है कि अगर आप रेलवे जो है दोबारा फिर मौका दे रहा है आपको जो है अपना बैंक डिटेल को सही करने का, ओके। तो वो जो है आपका रीओपन होगा 18/12/2018, मीन्स 18 दिसंबर को ओपन होगा और 25 दिसंबर को जो है क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल जो है फिर से फिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत लोगों ने बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड नंबर जो है गलत फिल किया है, जिसके कारण रेलवे को जो है अपना रेलवे को जो है फी रिफंड करने में प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए रेलवे कल नोटिस निकाला है कि आपको फिर से एक अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है और ये अपॉर्चुनिटी आपका फाइनल अपॉर्चुनिटी है, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये जो ओपन होगा ये 18/12/2018 18 दिसंबर को ओपन होगा और 25 दिसंबर को जो है क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे आपको फिर से बोल रहा है रेलवे कि आप फिर से चेक करो कि आपका जो है बहुत से लोगों का बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड जो है गलत फिल किया गया है। इसलिए रेलवे कह रहा है कि आपको जो है अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड नंबर जो है करेक्ट भरना है, राइट। और जिन लोगों का जो है गलत भरा हुआ है उन लोगों को 17 दिसंबर, ठीक है, मींस ओपन से एक तारीख पहले, ठीक, एक दिन पहले जो है आपके पास जो है मैसेज आ जाएगा कि आपका जो है आपका आईएफएससी कोड और या फिर बैंक अकाउंट नंबर गलत फिल किया गया, ठीक है। तो जिन लोगों का भी गलत फिल हुआ है वो लोग जो है फिर से जो है अपना बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड नंबर फिर से जो है अपना करेक्ट कर सकते हैं, जो कि 18 दिसंबर से ओपन होगा, 25 दिसंबर को क्लोज होगा। तो कल ये था नोटिस, और याद रखिए कि ये एएनपी और टेक्नीशियन के लिए, ये ग्रुप डी के लिए नहीं है, ठीक है। तो आपका 18 से लिंक ओपन हो जाएगा, तो अगर आपने गलत फिल किया है तो उसे जाके जो है करेक्ट कर लीजिए, ताकि रेलवे जो है आपको फी जो है रिफंड कर सके। और साथ में रेलवे ये भी कहा गया है कि ये एक फाइनल अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे अगर आप जो है फिल नहीं करते हैं सही तो उसके बाद जो आपके फी को रिफंड नहीं किया जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान में रखें, क्योंकि रेलवे यहाँ पे साफ साफ कह दिया है कि अगर इसके बीच भी अगर आपको आप जो है अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड नंबर नहीं फिल कर पाते हैं सही सही तो उसके बाद आपके फी को रिफंड नहीं किया जाएगा। इसलिए इस बात को भी ध्यान रखें, और अगर आपका जो है किसी तरह का मिस्टेक हुआ है बैंक अकाउंट में तो उसे जो है आप जाके करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि 18 से ओपन हो जाएगा और ये भी ध्यान में रखना कि 25 को क्लोज भी हो जाएगा। इसलिए इस बात को आप ध्यान में रखिएगा और अपना जो है करेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये थे नोटिस जिसके बारे में वीडियो बनाया गया था। आई होप आपको जो नोटिस समझ में आया होगा। इससे रिगार्डिंग अगर कुछ और प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और उन लोगों को पता चल सके कि आपको जो है बैंक अकाउंट फिल करने का फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। अगर किसी का गलत हुआ तो वो फिल कर लेंगे तो थोड़ा सा उनका भी जो है भलाई हो जाएगा। तो दोस्तों, इस बात को जो है आप ध्यान रखें। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।